अरे कमला, तू दराती हाथ में ही क्यों रखती है? मंगी चाची, मुझे दराती हाथ में रखना अच्छा लगता है, और फिर जंगल का रास्ता है, कोई जानवर सामने आ गया तो? अरे पगली, अब जानवर ही बेचारे कहाँ बचे हैं जो तेरे सामने आएंगे, क्यों चंपा? चाची, तुमने लखनपुर वाली मेघरी की बात सुनी? हाँ, वहाँ का ऊंचा और लोग कहते हैं कि वो डायन थी, बच्चों को खा जाती थी। तुम ऐसी बातों को मानती हो चाची? हमारे मानने न मानने का कहाँ सवाल आता है कमला। मैंने खुद औरतों को ओझा के सामने कबूल करते जरूर देखा है। क्या कबूल करते हुए देखा है? यही कि मैं डायन हूँ। औरत डायन होती भी है कमला? औरत डायन होती है? हाँ हाँ होती है, और वो अपने आसपास के लोगों को बर्बाद कर देती है। किसी को पता भी नहीं लगता, ओझा उसे पकड़ लेता है अपने मंत्र तंत्र से। एक बात पूछूं चाची? अरे पूछ रहे, क्या पूछना है? चाची, अगर औरत डायन होती है तो मर्द पिशाच क्यों नहीं होता है? कहो ना चाची। कैसे सवाल करती है, ऐसा नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि हम औरत जात हैं। हाँ, और औरत जात होना कोई अच्छी बात नहीं है। और अभी तुमने दुनिया ही कहाँ देखी है पगली, तुम्हें क्या पता डायन क्या होती है? मैंने अपने गांव में भी कई औरतों को ऐसे देखा है जिनको लोग डायन कहते थे। मुझे तो वे सब अच्छी भली औरतें लगती थी। तभी किसी डायन से पाला पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि डायन क्या होती है। क्यों रे मंगे, आजकल हमारे खेतों की ओर देखते ही नहीं हो? हमारे खेतों में काम चलता है ठेकेदार साहब। तो फिर अपनी बहू को भेज दिया करो, चार पैसे मजदूरी भी मिल जाएगी। तुम लोग काम तो करते नहीं हो और फिर गरीबी का रोना रोते रहते हो, क्यों मुखिया? और नहीं तो क्या। ये कौन है? मेरा नाम कमला है। गोपाल की घरवाली है। अपने गोपाल की? अभी 2 महीने पहले ही ब्याह कराई है। अच्छा अच्छा, गोपाल से कहना मेरे को मिले, उसका काम है। मुआ कैसे घूर रहा था, हमें उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, चलो। अरे चाची, अब तो मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात का कमला? अगर औरत डायन होती है तो मर्द पिशाच क्यों नहीं होता? सवा 2 सिर की मेरी दराती रे लोल, बनाई इसे लाल जी लोहार ने जी, मेरे बालम जी हो, मैं तो नहीं जाऊं घास काटने रे लोल, हो जी रे, मैं तो नहीं जाऊं घास काटने रे लोल। बड़ी खुश दिख रही हो कमला। हाँ गोपाल, तुम्हारा गांव बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छों को सब अच्छे ही लगते हैं। नहीं, मंगी चाची और चंपा कितनी अच्छी है, चाची तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। इसीलिए तो मैं तुम्हें उनके साथ भेजता हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं तुमसे काम भी न करवाऊँ। तो क्या घर में बिठा कर रखोगे? रख नहीं सकता ना, अभी तो ब्याह का खर्चा भी निकालना है, फिर बहन भी तो ब्याहने लायक हो गई है। और रुक क्यों गए? जमीन ठेकेदार के पास पड़ी है, वो भी तो छुड़वानी है। तुम फिकर क्यों करते हो, हम दोनों मिलकर मजदूरी करेंगे, सब ठीक कर देंगे। अरे हाँ, जंगल के रास्ते ठेकेदार मिला था, तुम्हें बुलाया है। मिल आऊंगा। तुम इतने उदास क्यों हो जाते हो? गरीब के घर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जैसे खुशी खुशी ना होकर ठेकेदार की जागीर हो, क्यों? अरे खुशी पर सबका हक है, मेरे दादा कहते थे
कि जो साफ नियत से हाथ पांव चलाते हैं ना, वो जरूर खुश रहते हैं। अरे अरे, यह तो अपने पड़ोसी कालू की आवाज है ना। अरे अरे कालू, अरे कालू क्या हुआ? गोपाल गोपाल, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे अरे, मगर यह तो बता क्या हुआ? मेरा बैल मर गया, मेरा बैल मर गया। बैल के बिना मैं क्या करूंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं लूट गया गोपाल, मैं लूट गया। कमला, कमला क्या सोच रही हो? गोपाल, तुमने लखनपुर वाली मेघरी की बात सुनी? ऐसी बातों में क्या सुनना कमला? ओझा के कहने पर लोगों ने उस औरत को डायन मान लिया। ऐसा होता है हमारे यहाँ कमला। क्यों होता है? अरे, इस क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं है। जवाब नहीं है तो ढूंढना चाहिए। कौन ढूंढेगा? कौन यानी क्या? यह हमारी मुसीबत है, जवाब हमें ही ढूंढना चाहिए। हमारी मुसीबतों के जवाब अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो क्या ऊपर से भगवान आएगा? कमला कमला, यह समाज और जात बिरादरी तेरी मेरी मर्जी से नहीं चलते, वो अपने बनाए हुए खुद के नियमों से चलते हैं। लेकिन गलत नियम और मान्यता बदले भी जा सकते हैं। इस प्रकार औरत को डायन मानकर उसे गांव से निकाल देना, उसे पीटना, उसकी हत्या कर देना, कहां का न्याय है? यह हमारी बिरादरी का न्याय है। यह न्याय नहीं, औरत के साथ का अन्याय है। आओ आओ, अरे आओ मुखिया आओ। कैसे हो भगत? बस भैरव की कृपा है। तभी तो भूत डायन और चुड़ैलों से लड़ लेते हो। ये ताकत तो हमें पुरखों से मिली है, पुरखों से। मगर ये भूत पिशाच तुम्हारे पास सीधे कैसे रहते हैं? मुखिया, हमारे पास मंत्र तंत्र है ना, इसलिए। तभी तो लोग तुम्हें मानते हैं। अरे, मेरे दादा परदादाओं को राजा महाराजा अपने महल में बुलाते थे, पांव छूते थे उनके। हमारे परदादा ने तो एक बार यहाँ के राजा के महल से डायन भी निकाली थी। राजा के यहाँ डायन? ससुरी रानी बन के बैठी थी महल में। रानी? हाँ, आसमान में उड़ते पंछी को नजर से गिरा कर खा जाती थी। नजर से पंछी मारती थी? हाँ, अरे हट्टे कट्टे घोड़े पर उसकी नजर पड़ जाए तो घोड़ा भी मरियल टट्टू जैसा बन जाता था। इतनी खतरनाक डाकिन, फिर तुम्हारे दादा ने कैसे पकड़ा उसे? मंत्र मार के। और पकड़ में आ गई? आती नहीं तो जाती कहाँ। मगर पता है पहले उसने क्या किया? क्या किया? अरे, जमीन से इतनी ऊपर उठी और हाथ में से आग निकालने लगी। फिर क्या, मेरे दादा मंत्र बोलकर उससे भी ऊपर उठे और बाल खींचकर उसे ले आए नीचे और पटका जमीन पर। तुम लोगों का काम बड़ा जोखिम वाला है। सो तो है, हमारी जान भी जा सकती है। मगर मुखिया, तुम सुबह सुबह ठेकेदार ने तुम्हारे लिए यह मुर्गा और शराब भिजवाई है। भगत, तुम रोज मुर्गा खाते हो? भोग चढ़ाकर, बिना भोग चढ़ाए मैं कुछ नहीं खाता। तभी तो भूतों और डायनों से लड़ सकते हो। सुनो भगत, ठेकेदार ने तुम्हें रात को बुलाया है। आ जाऊंगा। क्यों रे कालू, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरा बैल मर गया। अरे, पर तेरा बैल तो हट्टा कट्टा था, क्यों भाई लोग? जरूर 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 कोई डायन खा गई होगी।
कैसी हो कमला? मजे में हूँ। पीछे बैठ जाओ, गांव के बाहर उतार दूंगा। भगवान ने दो पैर दिए हैं। भगवान ने तो तुमको बहुत कुछ दिया है। अपनी नीयत को साफ रखो ठेकेदार जी। इतनी तीखी जबान अच्छी नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो। हम रास्ता छोड़ते नहीं है, औरों को अपने रास्ते पर लाते हैं। चल चल मेरे साथ। होश में तो हो? ससुरी भाव खाती है क्यों? चल हाथ चल। छोड़ो मेरा। अरे चल मेरे साथ। अरे हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहती हूँ। अरे नहीं छोड़ेंगे तो क्या हमें जलाकर राख कर देगी? अरे हम तो तुम्हें देखकर ही राख हो गए हैं। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। शर्म नहीं आती? गांव की बहू बेटियों को इज्जत पर हाथ डालते हो? हाथ छोड़ो। अरे चल। अरे हाथ छोड़ो। अरे चल। अरे मैं कहती हूँ मेरे हाथ छोड़ो। मंगी चाची। अरे ओ मंगी चाची, चंपा, पार्वती, मंगी चाची। क्या हुआ कमला, क्या हुआ कमला? तुझे तो मैं देख लूंगा। क्या हुआ कमला? कुछ नहीं चाची, एक जानवर दिख गया था। हम जानते हैं उस जानवर। हाय राम, आज तो मैं थक गई। बहुत काम करना पड़ता है ना? हाँ भाई, हम ठहरे मजदूरी करने वाले लोग, काम तो करना ही पड़ता है ना। गोपाल, यह ठेकेदार कैसा आदमी है? एक नंबर का बदमाश, शराबी और अय्याश। उसने मेरा क्या किया? उसने क्या किया? उसने गुस्सा क्यों होते हो? तू बता क्या किया उसने? पहले तुम शांत हो जाओ। लो लो, मैं शांत हो गया, अब कहो। उसने पहले तुम वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। वादा किया बस? उसने मेरा रास्ता रोका और मुझे अपनी फटफटी पे बैठने को कहा। उसने ऐसा कहा? मैं उसका खून। देखो गोपाल, तुम गुस्सा कर रहे हो। अरे कोई अपनी घरवाली पर नजर बिगाड़े तो गुस्सा तो आता ही है ना। लेकिन मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। कमला, एक बात बताओ। बोलो। तुम है ना, अपने चेहरे को ढांक कर रखो। ठेकेदार आए तो रास्ता बदल लो। मैं ऐसा क्यों करूं? कमला, तू दिखने में बहुत अच्छी है। तो क्या सूखे पेड़ जैसी हो जाऊं? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम बच के रहो। ठेकेदार बड़ा गंदा आदमी है। उसने अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मेरे हाथों से उसका खून हो जाएगा। उसका खून करने से क्या होगा? हाँ, यह भी तो सही है। और हम ठहरे गरीब लोग। हमारी गरीबी हमारी कमजोरी नहीं है गोपाल। और मैंने उसको ऐसा लताड़ा है कि अब वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। फिर भी कमला, हमें हमें संभल के रहना चाहिए। पानी की मछली मगर से बैर नहीं कर सकती। हम सब मछलियां हैं और वो मगरमच्छ है। छोड़िए ना उसे, कभी कभी शिकार हाथ से निकल भी जाता है। नहीं मुखिया, ये शिकारी की शान के खिलाफ है। तो आप क्या चाहते हैं? उसका ऐसा हाल करो कि कभी कोई सर उठाने की जरूरत ना कर सके। लगता है मधुमक्खी ने बराबर डसा है। मुखिया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गोपाल की जमीन तो आपके पास गिरवी पड़ी है। नहीं मुखिया, अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझे? समझ गया। अरे अरे, सुबह सुबह कालू के यहाँ क्या हुआ?
अरे मैं कहती हूँ तुम जाकर देखो ना, आखिर वो हमारे पड़ोसी है। हाँ हाँ अभी अभी जाता हूँ। कमला, तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? कालू का 6 साल का बेटा। क्या हुआ बच्चे को? कल रात तक तो बच्चा अच्छा था, कुछ दिनों से बुखार भी था, आज सुबह तो मर गया। बहुत बुरा हुआ। गांव के और भी 2 बच्चे मर गए कमला। क्या कह रही हो? हाँ हाँ, कुछ दिनों से हमारे गांव पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है। मुसीबतें? हाँ, तुम्हें पता है गांव का तालाब सूख गया है। इस बार बारिश भी तो कम हुई थी। सिर्फ ये वजह नहीं है। तो क्या वजह है? पूरे गांव में बात चल रही है। कैसी बात? यही कि हमारे बीच कोई डायन है। हैराम, डायन? हाँ हाँ, हमारे बीच जरूर कोई डायन है। वही तो जानवर को मार देती है, बच्चों को खा जाती है, तालाब का पानी पी जाती है, तालाब को सुखा देती है। क्या तुम ऐसी बातों को मानती हो? गांव में जो कुछ भी हो रहा है उस पर से तो ऐसा लगता है कि कोई डायन ही ये सब कर रही है। हमारे बीच जरूर कोई डायन है। डायन है? भाइयों, आज तक हम पर मुसीबतें आती थी लेकिन ऐसी एक साथ नहीं आती थी। मैं गांव का मुखिया हूँ, हमारी जाति का भला सोचने वाला हूँ, इसलिए तुम सबको भी यहाँ बुलाया है। हमारा ओझा मंत्र तंत्र जानने वाला भला आदमी है, बड़े बड़े लोग इसके पास आते हैं। अभी 3 महीने पहले शहर से एक बड़ा पुलिस का साहब आया था, उसकी बेटी भाग गई थी। भगत ने मंत्र तंत्र किया और उसकी बेटी मिल गई। हम सब भगत के मंत्र तंत्र पे भरोसा करते हैं। मेरा बच्चा इसने बचाया था, तेज बुखार था, भगत ने मंत्र मारकर पानी पिलाया और बच्चा बच गया। भगत, भगत गांव पर आफत आई है भगत, जानवर मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तालाब सूख गया है, गांव का भला करो भगत, गांव का भला करो। ग्लेम रेम सेम राम साम इस बड़ा से में दीजिए बता कहाँ आप रख गई थी और राम साहब तक दीजिए बता कहाँ रख गया उधर राम जूम डायन। हाँ डायन, हमारे गांव में डायन है। सुनो, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। भगत बताओ, भगत बताओ कौन है डायन? मेरा मंत्र कालू के घर की ओर जाता है। क्या कालू के घर में डायन है? नहीं, डायन कालू के पड़ोस में है। गोपाल के घर में? हाँ, गोपाल के घर में उसकी बीवी डायन है। कमला डायन है? कमला डायन है? हाँ, उसे कल पकड़कर यहाँ लाओ मेरे पास, फिर मैं उसका भूत उतारूंगा। ओम लक्ष्मी। तू गांव छोड़कर भाग जा कमला। ये तुम क्या कह रहे हो? सारा गांव तुझे डायन मानता है कमला। क्या क्या तुम भी मुझे डायन मानते हो? ओछा कर रहा है। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ गोपाल। और गांव के बड़े बूढ़े भी मेरे मानने न मानने से क्या होगा? तुम मेरे पति हो। मैं इस गांव का आदमी भी तो हूँ, मुझे मेरी जात बिरादरी के साथ रहना है और मेरी बहन का ब्याह भी तो करवाना है। बस बस करो गोपाल, बस करो। रात होने से पहले तू गांव छोड़कर चली जा कमली, चली जा। चली जाऊं? कहां चली जाऊं? बताओ ना कहां जाऊं मैं कहीं नहीं जाऊंगी गोपाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी गोपाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
जेम 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 धुआं दे दो, नीम का धुआं डालो, बोल रे कमली मारो उसको। कौन है तू, बोल कौन है तू? मैं औरत हूँ। वो ऐसे नहीं मानेगी, धुआं दो ही ले 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 ये ले ये ले, बहुत हो चुका नाटक, बहुत हो चुका। कमला डायन नहीं है, औरत है। अगर कमला डायन है तो हम सब औरतें भी तो डायन है, और तुम सब कौन हो? डायन के बच्चे हो, पिशाच हो। आंटी चाची, मेरा मंत्र। तेरा मंत्र अब बंद कर दे ओझा। हमें पता है तुम सब क्या कर रहे हो। डायन का चक्कर चलाकर पूरे गांव को उल्लू बनाते हो। मैं बताती हूँ कि कमला डायन क्यों बनी। क्योंकि इस ठेकेदार ने उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा और कमला ने उसके सामने दराती उठाई। बच्चे बीमारी से मरते हैं ओझा, और बैल भी। तुम लोगों के बच्चे ये भगत मंत्र वाले पानी से नहीं, उस पानी में मिली हुई दवा से ठीक करता है। बोल भगत, और डायन होती है क्या? नहीं नहीं। जवाब दे। कालू कालू, तुम गोपाल के पड़ोसी हो, वो तुम्हारे दुख का साथी था, पर तुम उसकी खुशी से जलते थे। तुम्हारी उस जलन को ओझा और मुखिया ने हवा दी। तुम सबका सहारा लेकर इन लोगों ने कमला को डायन बनाया। कालू भैया, क्या क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं लगती? मुखिया चाचा, क्या मैं गांव की बेटी नहीं हूँ? आप अपने वहम के खातिर बहु बेटियों को डायन बनाते हो। यह ओझा हमारे अंधविश्वास का फायदा उठाता है, हमारे आपसी बैर और ईर्ष्या को भड़काकर अपना मतलब निकालता है। मंगी बहन, अच्छा हुआ तुमने थाने में आकर हमको बता दिया था, औरत पर जुल्म करना अपराध है। तो इस अपराध में पूरे गांव को गिरफ्तार करो इंस्पेक्टर, ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं। मुझे 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 माफ कर दो कमला, मुझे माफ कर दो। हम लोगों को ओझा ने भड़काया था। अबे कालू क्या भगता है, इसमें मेरा कुजूर नहीं है पुलिस वाले साहब, मुझे तो मुखिया ने ऐसा करने के लिए कहा था। मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ। साहब मैं भी बेकसूर हूँ, मुझे इस ठेकेदार ने ऐसा करने के लिए कहा था। तुम्हारी वजह से मैं फंसा। तुम तीनों थाने चलो। ठेकेदार, तुम साक्षर होकर अनपढ़ लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हो। तुम तीनों थाने चलो। औरत पर जुल्म करते हो, अनपढ़ लोगों को भड़काते हो, अदालत तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी। याद रखो, डायन प्रथा एक संगीन अपराध है। गांव वालों याद रखो, आप भी पढ़ना लिखना सीख लो ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। तवा दो सिर की मेरी दराती रे लोल, बनाए इसे लाल जी लुहार ने जी, मेरे बालम जी हो। मैं तो नहीं जाऊं घास काटने रे लोल, सवा दो सिर की मेरी दराती रे लोल, बनाए इसे लाल जी लुहार ने जी, मेरे बालम जी हो। मैं तो नहीं जाऊं घास काटने रे लोल, हो जी रे मैं।